अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी कांग्रेसी पार्षद के घर में घुसकर लाठी डंडों से लैस दर्जनों बदमाशों ने उत्पात मचाने की घटना के बाद अंबिकापुर क्षेत्र का सियासी पारा गर्म हो गया है। बेखौफ बदमाशों का ये तांडव पार्षद के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया है। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर के चांदनी चौक निवासी कांग्रेसी पार्षद सतीश बारी के घर में देर रात एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने तोड़फोड़ करते हुए जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि शराब दुकान में किसी से हुए विवाद के मामले में कुछ युवक पार्षद सतीश बारी को ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पार्षद ने उनके साथ जाने से मना कर दिया, जिसके बाद पार्षद और युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद युवकों ने अपने कुछ और साथियों के साथ पार्षद के घर में घुसकर तोड़फोड़ करना प्रारंभ कर दिया। पार्षद सतीश बारी ने पुलिस प्रशासन से इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वही जब मैं बोले ना निकाल तलवार, तब इवन भागना शुरू कर दिए ना। एक कोने भी है, ये चांद है, ये टोपी वाला कौन है, ये चांद है धरू है ना, वो जैकेट चांद पहनी है। अभी 8 बजे के आसपास मैं अपने घर पर ही था। मोहल्ले का एक लड़का है गणेश उर्फ गोलू, वो मेरे घर के पास आया मारुति डिजायर कार से, और कुछ देर पहले मेरे को फ़ोन किया था कि भैया मेरा शराब दुकान में लड़ाई हो गया है, मेरे साथ लड़ाई करने चलिए। तो मैं ये बोला कि भाई मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ, अगर लड़ाई आपके साथ कोई घटना हुआ है तो मैं आपके साथ थाने जा सकता हूँ आपकी मदद के लिए, आपके साथ रिपोर्ट लिखाने। तो वो जीत करने लगा कि मेरे साथ लड़ाई करने चलिए, शराब के नशे में टून था। और उसके बाद फिर मैं उसको मना किया कि मैं नहीं जा पाऊँगा, तो उस पर वो मेरे साथ ही अभद्र भाषा में बात करने लगा, गाली गलौज करने लगा कि आप नहीं गए, ऐसा वैसा करने लगा। तो तब तक मेरी मम्मी पीछे से निकली, मेरे को बोली कि बेटा शराब पिया हुआ है, अंदर चले जाओ। तो मैं अंदर आ ही रहा था, तब तक मोहल्ले के जो सीनियर लोग थे, भीड़ भाड़ होने लगा, तो उसको छुड़ा के वो अंदर ले गए, मेरे को अंदर ले गए और उसको उसके घर के साइड ले गए। मैं इसकी शिकायत करने थाने पहुंचा ही था, मैं आवेदन लिख रहा था कोतवाली थाने में, मैंने TI साहब को फ़ोन पर सूचना भी दिया, तो यहाँ से बल भी गया हुआ था। उसके बाद फिर मैं आवेदन लिख ही रहा था, तब तक मेरे पास मेरी बहन का रोते हुए अचानक से फ़ोन आया कि भैया हम घर में 40-50 लड़के लाठी डंडा तलवार लेके घुस गए हैं, और पापा उन लोग को घुसते देखते हुए, आधे लोग तो घुस गए थे और पूरा दरवाज़ा खिड़की सब तोड़ दिए हैं। सोचिए मेरा रिंग रोड में थाने से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी में मेरा घर है, और इनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि ये लोग डेली अपराध कर रहे हैं, इनके खिलाफ़ कम से कम 10-10 अपराध इस थाने में कायम होगा। और वो लोग किसी जनप्रतिनिधि के घर में घुस के लाठी डंडा तलवार लेके इस टाइप से अपराध कर रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि अंबिकापुर में कानून का व्यवस्था क्या है। CCTV फुटेज मेरे पास उपलब्ध है, अभी मैं आप लोगों को दूंगा उसको मैं, और साथ ही अभी मेरे को बार बार उनके लड़के लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है कि आपको कितने दिन तक पुलिस वाले बचाएंगे। तो ये घटना हुई है, और मेरे घर का काफ़ी सामान भी अभी ये लोग मायापुर के हैं, यही सामने उनका मोहल्ले पंचदेव मंदिर के पीछे इनका घर है, इनके साथ कई मोहल्ले के लड़के वहाँ पे। और एक बात बताऊँगा कि ये लोग नकाब पहन के आए थे, आप सोचिए कि अपराध का स्तर कितना बढ़ गया है अंबिकापुर में, कि ये लोग नकाब पहन के किसी के घर में घुस रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। ये चांद नाम का लड़का है इनका, जो आज लड़ाई किया है, उसका छोटा भाई है, कल ही उसके खिलाफ इस थाने में अपराध दर्ज हुआ है। कम से कम मैं चाहता हूँ मेरे साथ न्याय होना चाहिए, बिना मतलब के किसी से अगर लड़ाई